वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग आउट और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा पतले हैं या फिर आपको नाखूनों को चबा चबा कर तोड़ने की आदत है, क्योंकि पतले होने की वजह से आपके नाखून क्या जल्दी मुंह में आके टूट जाते हैं, आड़े टेढ़े नाखून आ रहे हैं या नाखूनों पर अजीब सा एक कलर, कई बार आपने देखा होगा हम बहुत ज्यादा नेल पेंट इस्तेमाल करते हैं या नेल पेंट नहीं भी करें लेकिन नाखूनों की केयर नहीं कर पाते हैं तो नाखूनों पे एक पीलापन यहाँ पर आ जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैंने बहुत अच्छे से नेल पेंट रिमूव नहीं किए यहाँ पर जो मुझे कर लेना था क्योंकि आज मैं इसी पर वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ, अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा पतले हैं, देख सकते हैं आप, मेरे जो नाखून है वो जेनेटिक मतलब बचपन से ही बहुत ज्यादा पतले हैं, तो मैं कभी चाहूं भी नाखूनों को बढ़ाना तो जल्दी टूट जाते हैं, तो मैं इस चीज से काफी परेशान थी। लेकिन जब मुझे ये नुस्खा पता लगा तो अब मैं जब भी चाहती हूँ कि, वैसे मैं अपने नाखूनों को हमेशा कट करके रखती हूँ, ज्यादा बड़ा करती नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी नाखूनों को बड़ा, जैसे कोई फंक्शन है घर में, शादी है, पार्टी है, कुछ भी, तो मैं अगर अपने नेल्स को बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं ये नुस्खा जरूर आजमाती हूँ। काफी आसान सा नुस्खा है बिल्कुल, मैंने जैसा कि अब मेरे वीडियो में हमेशा आपको बोलती हूँ कि बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगता है, घर की ही चीजों से हम होम रेमेडी तैयार करते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होती है यहाँ पर। तो आज मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगी। तो जो नाखून है, नाखूनों पे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन एक चीज और आपसे कहूंगी कि अगर आपके नाखूनों पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नाखूनों का अचानक कलर काला हो रहा है, या आपको नाखूनों पर सफेद कलर के दाग बन रहे हैं, या आपके नाखून पर फंगस जैसा आपको महसूस हो रहा है, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आपकी शारीरिक बीमारी भी नाखूनों से पता चलती है। आपके शरीर में क्या कुछ चल रहा है वो आपके नाखून बयां कर देते हैं। लेकिन इन सब से अलग, अगर आपके नाखूनों को आपको लगता है कि प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है, नाखून बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, बार बार बढ़ाने पे टूट रहे हैं, या फिर बीच से, कई बार तो क्या होता है कि नाखून इतने ज्यादा गल जाते हैं, इतने ज्यादा पतले हो जाते हैं कि अगर आप नाखून छोटे भी रखते हैं तो भी किसी चीज में फंस के बहुत अंदर तक के कट जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो काफी पेनफुल भी रहता है, आप खाना खा रहे हो या कई सारी चीजों में ये प्रॉब्लम आपको कर सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपन होम रेमेडी की तरफ, लेकिन आपसे एक चीज और कहनी, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए अब चलते हैं होम रेमेडी की तरफ, आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में मैंने ये हल्का सा कुनकुना यहाँ पर पानी ले लिया है। अब इस पानी में मुझे किन किन चीजों को मिक्स करना है, तो ये मैंने आयोडीन वाला जो घर में खाने का नमक जो होता है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये आपके नाखूनों में प्रॉपर आयोडीन पहुंचाता है, या फिर आपके नाखूनों पर किसी तरह का भी, अब मैंने जैसा बताया था, कालापन, अगर पीलापन या कालापन जम रहा होता है तो उसको क्लीन करने में आपकी मदद करता है। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल हो तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल मेरे पास कोकोनट ऑयल नहीं था तो मैंने आलमंड ऑयल ले लिया। दोनों ही ऑयल बराबर एक ही काम करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तीसरा जो ऑयल है ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको जरूर इसमें ऐड करना है, ये आपके नाखूनों में हो रहे फंगस की प्रॉब्लम या फिर नाखूनों को एक मजबूती देने का काम ये ही सरसों का तेल जो है वो करता है। तो यहाँ पर आपको ये आधा चम्मच के अकॉर्डिंग सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल आप मार्केट से भी ला सकते हैं, और अगर आपके घर में सरसों का तेल बनता है, जी हाँ बनता, मतलब कि बहुत सारे घरों में, जैसे कि मेरे घर पे खेती होती है तो ये सरसों का तेल घर का ही है, तो आप वो भी ले सकते हैं, प्योर सरसों का तेल है। और साथ साथ यहाँ पर लेना है ग्लिसरीन। जी हाँ, अब हमें क्या करना है, इस जो हल्का सा वार्म वाटर है इसमें हमें सबसे पहले मिला लेना है ये नमक। सबसे पहले हम इसमें नमक को ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से घोल लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये ले लिया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलमंड ऑयल, आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। तो आप अंदाजन इसको आधे चम्मच के हिसाब से यहाँ पर आलमंड ऑयल ले लीजिए। इसके बाद जो ये सरसों का तेल है मैं इसे इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड कर देना है सरसों का तेल। अब इन्हें अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है।
ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है और ये बिल्कुल कारगर है। आप जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट इतनी जल्दी दिखाई देगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्लिसरीन को ऐड कर लेती हूँ। मुझे इन सब चीजों का अंदाज है, इसलिए मैं इसे अंदाज से ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आधा चम्मच के हिसाब से हमें यहाँ पर ग्लिसरीन को ऐड करना है, तो आप आधा चम्मच के अकॉर्डिंग ग्लिसरीन को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब फिर से इन सभी चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है, आपको इन सभी चीजों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। हल्का सा वार्म वाटर है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा आपको यहाँ पर पानी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा गर्म पानी भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको 10 से 15 मिनट तक के अपने नाखूनों को अच्छे से साफ करके इस पानी में जो है 10 से 15 मिनट तक के दोनों हाथों को इस तरह से भिगोकर आपको यहाँ पर रखना है। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए कि आपके नाखून बढ़ जाए तो ये प्रोसेस आप दो टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम आपको ये प्रोसेस करना है। आप ये नाखूनों को अच्छे से क्लीन यहाँ पर आपके हो जाएंगे 10 से 15 मिनट बाद। आप इसके बाद अपने नाखूनों पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट ऑयल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने अपने नाखूनों को यहाँ पर भिगो के रखा है। 10 से 15 मिनट तक का ये प्रोसेस है, काफी इजी प्रोसेस है, ये बिल्कुल 100% कारगर होता है और काफी आसानी से रेडी भी हो जाता है। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया है। आप देख सकते हैं मेरे नाखूनों पे एक बहुत ही प्यारी सी शाइन यहाँ पर आ गई है और नेल पेंट की वजह से जो पीलापन था वो प्रॉपर तरीके से चले गया है। आप देख सकते हैं मेरे नाखून बहुत ज्यादा पतले हैं। अब ये प्रोसेस मैं कम से कम एक हफ्ता लगातार करूंगी, उसके बाद अपने नाखून हुआ तो आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे मैं नाखून बड़े रखने का शौक नहीं रखती हूँ। देखिए काफी इजी सा प्रोसेस था ये और बिल्कुल भी इस प्रोसेस में पैसा नहीं लगता है, तो आप जरूर आजमाइएगा और जब भी आजमाएं तो मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा कि ये आप पर कितना कारगर साबित हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।